Assalamualaikum everyone, मेरा नाम नादिर है and this is my channel that is digital खाना बदोश. ये चैनल स्टार्ट करने का एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि I am on a mission. मेरा मिशन ये है कि इंशाल्लाह ताला एक साल के अंदर अंदर I am gonna train at least 1000 individuals in digital marketing और उन्हें at least इतना स्किल सेट में लाजमी दे दूंगा कि वो अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके मंथली कम से कम भी $2000 कमा सकें. मेरा डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपीरियंस सो फार ये है कि आई एम इनटू दिस फील्ड फॉर द लास्ट 5 years. इन 5 साल में आई हैव डेवलप्ड मल्टीपल वेबसाइट्स एंड विच आर अर्निंग क्वाइट हैंडसमली इन डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स. कुछ वेबसाइट्स जो हैं उन्हें मैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू उनकी अर्निंग कर रहा हूँ. कुछ वेबसाइट्स पे मैं अपनी सर्विसेज और ई कोर्सेस ई बुक्स वगैरह सेल कर रहा हूँ. कुछ वेबसाइट्स पे मैं दूसरे लोगों की सर्विसेज और उनके SaaS प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें प्रमोट कर रहा हूँ और कुछ वेबसाइट्स पे मैं आर्ट नेटवर्क के थ्रू अर्निंग कर रहा हूँ. डिफरेंट बिजनेस मॉडल के थ्रू अर्निंग करने का बेसिकली फ़ायदा ये है कि मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई रहता है और प्लस ये कि मुझे रीसेंट इन्फॉर्मेशन हर वक्त मिलती रहती है जिसके थ्रू मैं अपनी नेक्स्ट वेबसाइट जो भी बनानी है उसे मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ और उस फोरकास्ट के थ्रू मैं बेहतर प्लान कर सकता हूँ. आप लोगों को इससे फ़ायदा बेसिकली ये होगा कि मेरे पास अपनी ही वेबसाइट की ऑलरेडी काफ़ी सारी केस स्टडीज डेवलप्ड हैं और वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करके आई एम प्रीटी मच श्योर उस पर अगर आप लोग इवन 60% भी अमल कर लें तो आई थिंक देयर इज नो डाउट कि आप महीने के $2,000 से $3,000 ना कमा सकें. आप लोगों से सिर्फ गुजारिश ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो जो आपके जानने वाले आपके छोटे बहन भाई आपके कजन्स आपके दोस्त जो भी डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं उन्हें ये चैनल ज़बरदस्ती पकड़ के सब्सक्राइब कराएं. यकीन माने सोने की चिड़िया है और एक दफ़ा जिसे इस चीज़ के मज़े लग गए वो और कुछ नहीं करेगा. हम पाकिस्तानी इस फील्ड में काफ़ी पीछे रह गए. वजह टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कोई ख़ास समझ में नहीं आती क्योंकि IT रिलेटेड फ्रीलांसिंग सर्विसेज में हम लोग की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है बट फॉर सम रीजंस हम लोग उसे एज अ बिजनेस डेवलप नहीं कर सके अभी तक. बहुत से लोग कर रहे हैं लेकिन इन मेजॉरिटी हम लोग नहीं कर पाए. एक सस्टेनेबल ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये नहीं है कि उससे आपकी एक हैंडसम अर्निंग होती है. दो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है लेकिन सिर्फ अर्निंग नहीं उसका सबसे बड़ा बेसिकली फ़ायदा ये है कि सारी चीज़ें आपकी कन्वीनियंस में रहती हैं. आपको भी अंदाज़ा होगा कि अगर आप कोई भी कारोबार स्टार्ट करें तो अगर 2 से 3 लाख रुपये महीना अगर आपने कमाएं तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है. मेहनत तो खैर इस काम में भी है लेकिन इसमें एटलीस्ट आपको ये लिबर्टी हासिल है कि आप अपनी कन्वीनियंस पर कभी भी कहीं भी बैठ के ये काम कर सकते हैं. आप अपने घर पर बैठ के ये काम कर लें, आप अपने ऑफिस जाके ये काम कर लें, आप घूमने निकल जाएं, वेकेशन पे चले जाएं. ऑल यू नीड इज़ अ डिसेंट लैपटॉप एंड अ डिसेंट इंटरनेट कनेक्शन. ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के कहीं से भी अपनी अर्निंग कर सकते हैं और इसी चीज़ ने टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इस फील्ड में सबसे ज़्यादा इंकरेज करा. मेरी जो भी डिजिटल मार्केटिंग में सो फार जो भी सक्सेसेस हैं उसकी मेरे ख्याल में सिर्फ 3 ही वजूहत हैं. एक तो ये मैं कंसिस्टेंट रहा और रिगार्डलेस शुरू में रिजल्ट आए ना आए मैं पीछे नहीं हटा. जो जो मेरे करने के काम थे जो जो प्लान मेरे पास था उसे मैंने 100% फॉलो करा. सेकेंड रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो मेरे नज़दीक ये है कि जो जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली मैंने उस पर अमल भी किया. बहुत सिंपल सी बात है लेकिन मेरे ख्याल में हम लोगों का सबसे बड़ा अहमियत यही है कि हम लोगों का नॉलेज बेस तो यहाँ पे होता है और हम लोगों की एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पे होती है. आप क्रिकेट ले लें, आप सियासत ले लें, आप बिजनेस ले लें, आप मुल्क के हालात ले लें, हर चीज़ में हम लोगों की नॉलेज बहुत है. एग्जीक्यूशन में हम लोग सारे के सारे सिफर हैं. तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि इस चैनल पे जो जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले उस पर अमल लाजमी कीजिएगा क्योंकि जो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे वो आपको नॉलेज हासिल करने से नहीं मिलेंगे, वो आपको उस नॉलेज पे एक्शन लेने से मिलेंगे.
तीसरा मेरी सक्सेस का जो रीज़न था वो बेसिकली ये था कि मैंने बहुत अर्ली ही रियलाइज़ कर लिया था कि ये चीज़ हॉबी नहीं है, दिस इज़ एन एक्चुअल बिजनेस। और जब मैंने ऐसे एज अ बिज़नेस लिया तो मैंने फिर इसके लिए बाकायदा टीम डेवलप करी, इस पर बाकायदा मैंने इन्वेस्टमेंट करी, अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करी कि मुझे फर्स्ट क्वार्टर में कितने पैसे चाहिए, सेकंड क्वार्टर में कितने पैसे चाहिए, मेरी अर्निंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी, कब तक मेरी इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाएगी। इन सारी चीज़ों का मेरे पास एक ऑलरेडी एक रोड मैप मौजूद था। दो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो 100% फॉलो नहीं हुई, लेकिन स्टिल मेरे पास एक प्लान मौजूद था जिसमें मैं बहुत ईजीली फॉलो कर सकूँ। सो ऑल द बेस्ट, और वंस अगेन अगर आप एक डिसेंट अर्निंग विद कन्वीनियंस अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।